क्या आप भी एक गेमिंग पीसी खरीदने के बारे में सोच रहे हो? वेल वेट, अगर सोच रहे हो ना तो वेट करो, वीडियो पूरा देख के जाओ, उसके बाद डिसाइड करो कि इन सब के बाद भी क्या आपको गेमिंग पीसी खरीदना है। आज से कुछ साल पहले तक भी गेमिंग पीसीज का इतना ज्यादा क्रेज नहीं हुआ करता था जितना अभी के टाइम पे चल रहा है, और सभी बंदे सोच रहे हैं अपने पास भी एक गेमिंग पीसी और उससे हम लोग तगड़े तगड़े गेम प्लेस करें, उसका वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाले और हम लोग भी एक यूट्यूबर बन जाए। सोचते हो ना यही? तो चलो इसका थोड़ा सा डीप में जाते हैं। एक गेमिंग पीसी ओन करना ये मेरे लिए एक ड्रीम हुआ करता था आज से कुछ साल पहले तक, और आज के टाइम पे आकर ये चीज एक्चुअली में मेरे पास है। बट द जर्नी वॉज नॉट सो इजी, बिकॉज ये गेमिंग पीसी मैंने अपने माँ बाप के पैसों से नहीं लिया है, मैंने खुद कमा के इसको लिया है, और मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि ये पीसी आज जो भी मैं जितना भी मैंने इसको बनाया है, जितना भी मैंने इसके ऊपर खर्च किया है, टोटली ऑल टोटल पैसा मैंने खुद अपने पैसों से लगा के फिर खरीदा है। और सक्सेस या फिर ड्रीम कुछ भी हो जाए, वो उसका असली मजा तभी आता है जब आप अपने खुद के दम पर, खुद के मेहनत पर, खुद के सभी चीजें और एफर्ट्स लगाने के बाद उसको हासिल करते हो, है कि नहीं बताना जरूर। कुछ साल पहले तक भी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में पीसीज का उतना ज्यादा चर्चा नहीं हुआ करता था, लेकिन सडनली इसका जो है बहुत ज्यादा चर्चा होना शुरू हो गया, स्पेशली इन फ्री फायर कम्युनिटी। बिकॉज आपके सबको पता है कि फ्री फायर कम्युनिटी में पीसीज आजकल क्या कैसे चल रहे हैं, हर एक बंदा जा रहा है मैं पीसी प्लेयर बन जाऊं, इवन दो गेम का भी कोई ज्यादा पता नहीं है गेम अभी रहेगा कि नहीं, बट स्टिल द पॉइंट इज कि पीसी बहुत ज्यादा सडनली काइंड ऑफ एक ग्रोथ में आ चुका है। पीसी हर बंदे को चाहिए होगा, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से हो, पीसीज के प्राइस जो है वो इंडियन हर एक पीपल के लिए वो अफोर्ड करना इजी नहीं हुआ करता था। अभी के टाइम पे भी वही सीन है, लेकिन अभी जो है रेशियो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। मोबाइल और पीसी में जो पहले बहुत अंतर हुआ करता था, अभी धीरे धीरे उसका बहुत ज्यादा कम रेशियो हो चुका है, मतलब पीसीज भी लोग अफोर्ड करना शुरू कर चुके हैं, एंड इसका जो है ग्रोथ दिन ब दिन और इंक्रीज होता जा रहा है। बट द थिंग इज, आज के टाइम पे 10, 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे को भी एक गेमिंग पीसी चाहिए होता है, और इसके लिए वो लोग अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को बहुत ज्यादा जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स नॉट द करेक्ट पॉइंट। आज से 2-3 साल पहले तक बच्चे ज्यादा जिद करते थे मुझे एक फोन दिला दो, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हुआ और उसके बाद पढ़ाई वगैरह थोड़ा सा ऑनलाइन होना शुरू हो गया, तो हर बच्चे के लिए एक फोन मिलना नेसेसरी हो गया, अपने घर वालों से एक फोन तो सबको मिल जा रहा है, तो इसकी वजह से ना बच्चे थोड़ा सा और ज्यादा अपग्रेड होना शुरू हो गए, मतलब बच्चों को अब फोन से ज्यादा बढ़ के अब पीसीज चाहिए होता है। और इसका मेन रीजन है कि हम लोग यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस में हमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखने को मिलते हैं जिनके पास लाखों के पीसीज होते हैं लिटरली, और वो लोग गेम्स खेलते हैं और उन गेम्स को हम भी खेलना चाहते हैं, लेकिन खेलने के लिए हमें भी एक पीसी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम अपने माता पिता को, हम अपने घर वालों को इतना फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि लिटरली उनके लिए भी ये चीज सहन करना, उनके लिए भी ये चीज मान लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, गेमिंग पीसी खरीदना चाह रहे हो, क्यों खरीदना चाह रहे हो, किस वजह से, क्या पर्पस है तुम्हारा, क्या तुम भी यूट्यूबर बनना चाहते हो? अगर तुमने किसी 5 मिलियन वाले यूट्यूबर को देखकर सोच लिया कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, मुझे भी एक पीसी चाहिए, मैं भी गेम प्ले करूंगा, मुझे भी वीडियोस बनाने हैं, तो क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हें सचमुच एक यूट्यूबर बनने के लिए जो चाहिए होगा, तुम्हारे अंदर का जो पैशन है, वो तुम कुछ दिन बाद जाके कंटिन्यू कर पाओगे? और अगर कर भी लोगे, क्या गारंटी है कि तुम उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत बंदे ऐसे हैं जो कि पैशनेट है, सक्सेसफुल होने के काबिल तो है, बट उनको सक्सेस मिला नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। पीसी तो तुम अपने पैसों से खरीद सकते हो, लेकिन सक्सेस उसको नहीं खरीद सकते हो, वो तुम्हारे पास तुम्हारे भाग्य लक से आता है। खराब ये लगता है देख के कि मेरी तरह कोई मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हुआ कोई बच्चा जब जाके अपने मॉम डैड से ये बोले कि मुझे एक गेमिंग पीसी चाहिए, हालांकि उनको ये भी नहीं पता होता है कि एक्चुअली में गेमिंग पीसी का काम क्या होता है। चालाकी करके, पढ़ाई का बहाना देके, स्कूल में जरूरी काम है ये बहाना देके, या फिर एग्जाम में काम आएगा इसकी वजह से ये सब बहाना देके, घर वालों को बोल के जबरदस्ती खरीद तो लोगे, लेकिन उसके बाद धोखा किसको दोगे, घर वालों को या खुद को? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ब्रो मेरे पास। तुम मान लो कि तुमने पीसी खरीद भी लिया है, 50,000 का तुमने बजट सिलेक्ट किया है, तुमने घर वालों को कुछ भी बोल के, कुछ भी बहाना दे के, धोखा दे के, कुछ भी करके तुमने 50,000 रुपए उनसे मांगा, तुमने बोला मुझे 50,000 का एक पीसी चाहिए, इसके बाद मैं कोई भी खर्चा नहीं करने वाला हूं। तुम्हें पीसी खरीदने का मेन मकसद था उसमें गेम खेलना, बट तुम उसमें गेम तभी खेल सकते हो जब तुम एक गेम को डाउनलोड करोगे, और आज के टाइम पे गेम खेलने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। जी हाँ, पैसे देकर गेम्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, उनको परचेस करने बढ़ते। अगर तुम GTA 5 खेलोगे, अगर तुम कोई भी अच्छे गेम्स खेलना चाहते हो ना, तो सबके लिए तुम्हें एक पीसी की रिक्वायरमेंट्स है। और अगर नहीं खरीदोगे तो भाई, जो गेम्स तुम खेलोगे ना पीसी में, वो सारे तुम अपने फोन्स में ही खेल सकते हो। अगर तुम पीसी के गेम खरीद कर नहीं डाउनलोड कर सकते हो, तो क्यों तुमने उस पीसी को 50,000 रुपए से खरीदा?
जस्ट बिकॉज टू प्ले दोस गेम्स जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है मोबाइल फोन्स में। इवन आज के टाइम पे ग्राफिक्स कार्ड से लेकर हर एक चीजों की प्राइस बहुत हाई जा चुकी है। ग्राफिक्स कार्ड आज के टाइम पे जो पहले 10,000 में आता था, आज के टाइम पे 17-18 हज़ार रुपए में आ रहे हैं, वो भी लोअर एंड के ग्राफिक्स कार्ड जिनको यूज करके शायद ही आप कोई अच्छे गेम्स खेल सकते हो। तो एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड कम से कम आज आपको मिड रेंज में 40,000 देना पड़ता है। तो एक ग्राफिक्स कार्ड ही आपका 40,000 ले रहा है, वहां पे अगर पूरा पीसी सेटअप करना चाहते हो तो भाई 1,00,000 से कम रुपए में आपका होने वाला नहीं है। अगर आप इतना पैसा लगा के खरीदोगे तो भाई उस पैसों के अंदर आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, लिटरली बिलीव मी। सिर्फ एक पीसी के ऊपर खर्च करना ही आपका अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए आज के टाइम पे। एंड नॉट इवन ओनली दिस, ये सब चीजें ना आपकी लायबिलिटीज में जाती है। लायबिलिटीज वो सारी चीजें होती है जिनको आप खरीदते हो लेकिन वो आपके लाइफ में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ला देती है। लाइक बाइक जब आप खरीदते हो उसको चलाने पे पेट्रोल लगता है, पेट्रोल के लिए आपको अलग से भरना पड़ेगा, उसके लिए पैसा खर्च होगा। पीसी खरीदोगे ना तो सिर्फ, अगर गेम ना भी खरीदोगे तो पीसी को मेंटेन करने के लिए भी आपको पैसा खर्च होगा क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उनको भी कभी कभी आपको ठीक करवाना पड़ेगा, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो। ऊपर से भाई पीसी को चलाने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है। भाई आज के टाइम पे विदाउट इंटरनेट यू कांट डू एनीथिंग इन पीसी, आपको पता है, खुद पता है, आप ये खुद चीजें जानते हो। यूट्यूबर बनना चाहते हो, यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हो तो भाई ऑब्वियसली बात है ब्रॉडबैंड चाहिए होगा आपको, एक घर में वाईफाई चाहिए होगा, उसके लिए अलग से पैसा पे करना पड़ेगा आपको पूरे महीने में। भाई हर महीने मान के चलो मिनिमम 500 रुपए आपके वहां पे जाएंगे वाईफाई के पीछे। अगर आपने नहीं लगाया तो आपका कोई फायदा नहीं है पीसी खरीदने का। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो फिर तो तुम्हारे लिए भी एक लायबिलिटी हो गया, तो तुमने क्यों खरीदा? नो ब्रो, यू आर रॉन्ग, दिस इज एन एसेट टू मी बिकॉज ये मुझे कमा के देता है। और एक बात बोल दू, मैंने ये खरीदा तभी जब मैंने अर्निंग करना स्टार्ट किया। क्या आपके पास कोई गारंटी है कि एक पीसी आप खरीदने जो जा रहे हो, जिसके बारे में आपने सोचा है अभी खरीदने के बारे में, कल जाके वो आपको अर्निंग करके देगा? नो, देयर इज नो गारंटी। यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट, आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हो कि हाँ मैं ऐसे इन फ्यूचर कमा सकता हूँ, बट यू हैव नो गारंटी। बट अगर आपकी फैमिली का हालत उतना खराब नहीं है, आपके मॉम डैड आपको दे सकते हो, उतना उनके पास कैपेबिलिटी है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, एक बार उनसे मांग सकते हो। बट डेफिनेटली एक चीज बोलूंगा, कभी कभी भी फोर्स मत करो अपने मॉम डैड को, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि वो कितने मेहनत करते हैं। मैंने अपने आंखों के सामने अपनी मम्मी को, अपने पापा को बहुत मेहनत करते देखा है एंड आज भी देखता हूँ, आज भी टिल दी डेट वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। एंड लिटरली मुझे कभी लगता है कि ये वीडियो बनाने के लिए भी मैं बहुत टाइम थक जाता हूँ, लेकिन वो लोग बाहर जाके काम करते हैं दोस्त। तो सोचो एक बार कि उन पे क्या बीतता होगा, वो लोग तो कर रहे हैं ना इतनी गर्मी में, सर्दी में, कभी भी कुछ भी हो जाए, बट दे आर स्टिल डूइंग दैट फॉर आस ओनली। दो दिन के लिए किसी एक यूट्यूबर को देख लिया वो कर रहा है, तो उसको देख के हमें भी एक जोश आ जाता है कि हम भी ये कर सकते हैं, और हम भी वो दो दिन तक ही कर सकते हैं अगर वो चीज़ हमें मिल भी जाए ना। चाहे अगर मैं एक पीसी भी ले लूँ और सोचूं कि इसके जैसा मैं करूँगा, एक दिन करूँगा, दो दिन करूँगा, तीसरे दिन ना, भाई लिख लो मेरे से, हमें वो चीज़ करने का मन नहीं करेगा, धीरे धीरे हमें बोर लगने लगेगा और बोरियत से भी ज़्यादा हमें जो है फील नहीं आएगा, हमें बहुत ज़्यादा लेजीपन आएगा क्योंकि उस चीज़ के लिए हम लोग बने नहीं है ब्रो। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड योर वर्क, अंडरस्टैंड योर पैशन, डोंट गो एंड फॉलो अदर्स, वो क्या कर रहे हैं, उनका ये है वो है, हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है। खुद कुछ करो, खुद अपना बनाओ और अपने पैसों से करो, जो करना है अपने पैसों से करो, चाहे 5 साल लग जाए, लेकिन जिस दिन करोगे ना उस दिन अपने गर्व से और अपने अंदर से बोल सकते हो कि भाई ये जो मैंने चीज करी है वो अपने दम पे करी है। तो ये अपना एक अल्टीमेट मोटिवेशन है। सो आई होप गाइस आज के वीडियो का मेरा मोटिव आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और ऑब्वियसली अगर आप पढ़ाई के लिए खरीदना चाह रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। एंड ये सब फिर ग्राफिक्स का सीन मत रखो, 20-30 हज़ार में आराम से कुछ आ जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कि जरूरत पड़ जाती है पीसीज की, लैपटॉप्स की, बट वो सभी चीजों को फिर मत करना, धोखेबाजी मत करना प्लीज, दिस इज वेरी 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 बैड। बिकॉज आज धोखा दोगे आप अपने पेरेंट्स को, खुद को दोगे, कल जाके आपको वही चीज कर्मा के रूप में रिटर्न आएगा। सो प्लीज बिलीव इन कर्मा एंड यस, गो फॉर योर विजन, गो फॉर योर गोल। एंड गाइस होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से अच्छा लगा होगा, तो प्लीज शेयर कर दो वीडियो और लाइक कर देना, डेफिनेटली कमेंट करके अपना राय बताओ, खुद अपना कमेंट करके बताओ कि आज के बाद आप क्या सोचते हो, कि आपको एक पीसी लेना चाहिए या फिर आप जिसमें हो उसमें खुश हो और उसी से कुछ करके दिखाओगे। तो डेफिनेटली गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप दोबारा से बोल रहा हूँ अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टुमारो, गुड बाय एंड लव यू ऑल।